सोलन में कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र माल रोड पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर को आम जनता के दर्शनों के लिए विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत खोल दिया गया है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। समारोह में कवीश्वर कुलाचार्य परम महंत करण जेकर बाबा के साथ साथ महाराष्ट्र, पंजाब व हरियाणा से अनेक बड़े संत महात्मा व अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सर संघचालक मोहन भागवत ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर व भगवान कृष्ण की प्रतिमा का अनावरण कर मंदिर को आम जनता के दर्शनों के लिए समर्पित किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में संत महात्माओं ने प्रवचन दिए और सभी को धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय सेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत का हिमाचल प्रदेश में आने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि आज समाज प्रगति की ओर अग्रसर है, लेकिन आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी संस्कृति व संस्कारों को भूलता जा रहा है। ऐसे में इस तरह के धार्मिक कार्य के आयोजनों से जहां एक तरफ आत्मिक शांति मिलती है, वह अपनी संस्कृति व संस्कारों से रूबरू होता है। राष्ट्रीय सेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि हमारा देश धर्म आधारित संस्कृति का देश है और सभी में देश के प्रति त्याग की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म और कर्म दोनों ही देशभक्ति की बात सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि संघ में कर्म के आधार पर देशभक्ति की भावना लोगों में जागृत की जाती है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के पंथ समुदाय भी देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सभी का उद्देश्य देश की सेवा व उन्नति की ओर होना चाहिए। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में श्रद्धे भागवत का आप सबकी ओर से अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही पुण्य के कार्य को सुंदर में आपका अनुभव है और वैसे भी हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और जब हिमाचल को देवभूमि कहते हैं स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोग मूल्य है और जैसे दुनिया आज प्रगति की राह पर आगे बढ़ना चाहती है, ऐसे में इंडियन की गवर्नमेंट कहीं भी पहुंच जाए मैं इस बात को कह सकता हूं, लेकिन संस्कार छोड़ करके संस्कृति को छोड़ करके पहुंचने की आगे अगर हम बात करें तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कहीं नहीं कर सकते। उस दृष्टि से ये पुण्य का कार्य हम पर जो शुरू किया गया कि मंदिर का निर्माण एक स्थान के केंद्र जहां सभी लोग श्रद्धा के भाव के साथ बैठ करके अपनी संस्कृति को स्मरण कर सकते हैं, अपने संस्कारों को जागृत कर सकते हैं, उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा है। तो इसमें कहीं भी मंदिर दुनिया में सब बैठता है, लेकिन मंदिर धर्म के लिए तो मैं ऐसा मानता हूं कि सभी आधार के मध्य संप्रदाय ज्ञान के आधार पर धर्म देते हैं और हम कर्म के आधार पर धर्म के कदम मोड़ने का प्रयास करते हैं। धर्म देना कोई बहुत बड़ा अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे प्रयोग धर्म की ओर जो मूर्ति है एक बच्चों समय में आप आगे हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि जहां वास्तविक धर्म का नियम होता है उसके आचरण का उदाहरण है जो अच्छे से उपयोग है वो सभी हिंदू स्थान के असल के संदेह ही है। एक मंदिर में इतनी पवित्र आत्माओं के साथ कुछ क्षण बिताने का आपने मुझे अवसर दिया। पीआर टीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।